बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेस अनन्या पांडे को स्मूथ फेशियल फीचर्स के लिए अक्सर तारीफ मिलती रहती है। उनकी पर्सनालिटी को लोग काफ़ी पसंद करते हैं। इस बीच एक्ट्रेस ने पेरिस हाउस कॉचुअर वीक में रैंप वॉक किया। यहाँ उनकी खूबसूरती ने जितनी तारीफें बटोरी, ड्रेस की वजह से उनका उतना ही मजाक बना है। लव लाइफ को लेकर लाइमलाइट में रहने वाली अनन्या पांडे अपने लुक की वजह से काफी ट्रोल हो रही हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर एक्ट्रेस की ड्रेस में ऐसा क्या था जिसकी वजह से यूजर्स के निशाने पर आ गई हैं। अनन्या पांडे ने पेरिस हाउस कॉचोर वीक में जाने माने डिजाइनर राहुल मिश्रा के लिए रैंप वॉक किया है। उनका वीडियो काफी वायरल भी हो रहा है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए ऐसा भी कहा जा रहा है कि अनन्या पांडे पेरिस हाउस कॉचोर वीक में रैंप वॉक करने के लिए सबसे कम उम्र की बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। हालांकि उन्हें उनकी मच्छरदानी वाली ड्रेस की वजह से ट्रोल भी किया जा रहा है। एक शख्स ने अनन्या की तुलना उर्फी जावेद से भी कर दी है। उन्होंने कहा कि अनन्या का लुक उर्फी के लुक से इंस्पायर्ड है। वहीं एक ने लिखा कि इनके फैशन सेंस को देखकर हंसी आती है। हालांकि कुछ ने एक्ट्रेस के कॉन्फिडेंस की तारीफ भी की है। अनन्या विदेशी मॉडल्स की तरह ही एकदम सावधानी से वॉक करती नजर आई हैं। उनके चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं देखने को मिली। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर देशवासियों को ढेर सारी बधाइयां दी हैं। दोनों अभिनेताओं ने एक साथ एक वीडियो शेयर किया है और इस ऐतिहासिक पल पर अपनी खुशी व्यक्त की है। नमस्कार, मैं हूं अक्षय कुमार और मेरे साथ है मेरे मित्र टाइगर श्रॉफ और हम दोनों की तरफ से आप सबको जय श्री राम। आज का दिन पूरी दुनिया में बसे राम भक्तों के लिए बहुत 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 बड़ा दिन है। कई सौ सालों की प्रतीक्षा के बाद ये दिन आया है कि रामलला अपने घर अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में आ रहे हैं। और हम सब ने बचपन से इस बारे में इतना कुछ सुना है, पर आज इस दिन को होते हुए देख पाना, इस दिन को जी पाना बहुत बड़ी बात है। और हम वेट कर रहे हैं उस घड़ी की जब हम दीप जला के श्री राम का उत्सव मनाएंगे। हम दोनों की तरफ से आपको और आपके परिवार को, सबको इस पावन दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 17 के फिनाले में अब सिर्फ एक हफ्ते से भी कम का टाइम बचा है। 8 जनवरी को सलमान खान के इस कंट्रोवर्शियल शो का ग्रैंड फिनाले होने जा रहा है और शो पर टॉप 6 फाइनलिस्ट बचे हैं, जिनमें से शो का एक दमदार खिलाड़ी अब घर से बेघर होने वाला है। जी हाँ, फिनाले से पहले हुआ ये आखिरी एविक्शन काफी शॉकिंग था। खबरें आ रही हैं कि विक्की जैन शो से एलिमिनेट हो चुके हैं। बता दें कि बीते हफ्ते शो से 2 कंटेस्टेंट आयशा खान और ईशा मालविया घर से बेघर हुई थी, जिसके बाद अब विक्की जैन का सफर भी शो पर खत्म हो गया है। इस बात की जानकारी बिग बॉस 17 के फैन पेज से मिली है। खबरों के अनुसार फिनाले से कुछ दिन पहले शो में मिडनाइट एविक्शन हुआ, जिसमें विक्की जैन को शो से बाहर कर दिया गया है। दरअसल विक्की और अरुण मशेट्टी के बीच एक मुकाबला हुआ था जहां अरुण जीत जाते हैं। ऐसे में अब विक्की जैन का पत्ता फिनाले की रेस से कट चुका है। वहीं अब बिग बॉस को अपने 5 धुआंधार खिलाड़ी मिल गए हैं, जिनमें से कोई एक विनर की ट्रॉफी अपने साथ घर लेकर जाने वाला है। बता दें कि अब शो पर मुनव्वर फारूकी, अंकिता लोखंडे, अभिषेक कुमार, मनारा चोपड़ा और अरुण मशेट्टी टॉप 5 के नामों में शामिल हैं। वहीं इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तो जैसे एक हड़कंप ही मच गया है। जहां कुछ यूजर्स को विक्की जैन का घर से बाहर होना सही लगा, तो वहीं कुछ यूजर्स इसके ऊपर भड़क उठे। लोगों का कहना है कि विक्की जैन एक बेहतरीन प्लेयर था और उसे आगे तक जाने का मौका मिलना चाहिए था। बता दें कि विक्की जैन अपनी बीवी अंकिता लोखंडे के साथ इस शो पर आए थे। घर के अंदर दोनों के बीच जमकर कहा सुनी और लड़ाई होते हुए देखी गई है। कई बार तो दोनों के बीच इतनी बहस बढ़ जाती थी कि बात तलाक तक पहुंच जाती थी। अब देखना यह है कि विक्की जैन तो घर से बाहर चले गए हैं, लेकिन जब अंकिता घर से बाहर जाएंगी तो क्या उनके रिश्ते में सुधार आएगा,
या फिर वो और ज्यादा बिगड़ने वाले हैं। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी फिल्म फाइटर के लिए दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन एक साथ आए हैं। जैसे जैसे फिल्म अपनी ड्रामेटिक रिलीज डेट की ओर बढ़ रही है, हम आपके लिए आज लेकर आए हैं फिल्म की वो सभी डिटेल्स जो आपको जानना जरूरी है। इस वीडियो में आप उसके कैरेक्टर्स, फिल्म के रन टाइम, सर्टिफिकेशन, म्यूजिक और बहुत कुछ के बारे में जान पाएंगे। अब हर कोई ये देखने के लिए काफी एक्साइटेड है कि दीपिका पादुकोण, ऋतिक रोशन और अनिल कपूर अपनी अपकमिंग एक्शन फिल्म फाइटर के साथ बड़े पर्दे पर क्या जादू बिखेरने वाले हैं। मूवी में इनके अलावा करण सिंह ग्रोवर, अक्षय ओबेरॉय, संजीदा शेख, तलत अजीज, संजीव जायसवाल, ऋषभ साहनी और आशुतोष राणा जैसे कलाकार भी हैं। सिद्धार्थ आनंद द्वारा समर्थित इसका निर्माण वायाकॉम 18 स्टूडियोज और मार्फ्लिक्स पिक्चर्स द्वारा किया गया है। स्पेशली ये प्लान्ड एरियल एक्शन फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म भी है। अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म के ट्रेलर को देखकर ये अंदाजा लगाना आसान था कि ये एक वायुसेना के इर्द गिर्द घूमती देशभक्ति रिलेटेड फिल्म है। वहीं LOC पर बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों के मद्देनजर IAF के कुछ टॉप कॉम्बेट एविएटर्स एक साथ आए हैं और एयर ड्रैगन्स नाम के एक स्पेशल यूनिट को उन्होंने फॉर्म किया है। एक मीडिया इवेंट के दौरान शाहरुख खान ने भी फिल्म के बारे में खुलासा किया था और कहा था कि मैंने फाइटर की कहानी सुनी है और मुझे आपको बताना होगा कि फिल्म में दीपिका ही असली स्टार हैं, वही असली फाइटर हैं। ऋतिक रोमांटिक इंटरेस्ट रखते हैं और वो फिल्म में प्यार और ग्रेटिट्यूड दिखाते हुए नजर आने वाले हैं। अगर फिल्म की एडवांस बुकिंग की बात करें तो फाइटर की एडवांस बुकिंग शनिवार सुबह से शुरू हो गई थी, जिसे प्री सेल्स में अच्छा रिस्पांस मिला है। 22 जनवरी की शाम तक फिल्म ने भारत के दो प्रमुख मल्टीप्लेक्स में लगभग 50,000 टिकट बेचे हैं और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म की एडवांस बुकिंग बंद होने से पहले ये फिल्म टॉप नेशनल चेन्स में करीब 2,00,000 टिकट बेच चुकी होगी। वहीं इसकी रिलीज तारीख की बात करें तो फिल्म फाइटर 2024 की पहली मेजर बॉलीवुड रिलीज में से एक है। ये फिल्म मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्मों में से भी एक है क्योंकि ये ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म पठान के बाद डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की अगली फिल्म है। दर्शक इस फिल्म को 25 जनवरी 2024 से अपने नजदीकी सिनेमाघरों में देख सकते हैं। वहीं फाइटर का रन टाइम, सर्टिफिकेशन और बजट की जानकारी भी हमें एक रिपोर्ट में मिली है। उस रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने फिल्म में कुछ बदलाव सुझाए थे और उसके बाद इसे UA सर्टिफिकेट दिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि फिल्म का रन टाइम 166 मिनट्स होगा और ये भी 250 करोड़ रुपीस के भारी भरकम बजट में बनी है। वहीं इसके ट्रेलर और टीजर की बात करें तो फिल्म का टीजर 8 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था, जबकि ऑफिशियली ट्रेलर इसका 15 जनवरी 2024 को जारी किया गया था। अयोध्या नगरी भगवान श्री राम के स्वागत के लिए सज धज कर पूरी तरह तैयार है। 22 जनवरी को यानी आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश पूरी तरह तैयार है। इस समारोह में शामिल होने के लिए बॉलीवुड की कई नामी हस्तियों को आमंत्रण दिया गया था और सभी स्टार्स इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन मशहूर फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री इस समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे और इसे अटेंड ना कर पाने के लिए उन्हें काफी मलाल है। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने निमंत्रण पत्र को शेयर करते हुए बताया कि वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकेंगे। एक्स पर निमंत्रण की फोटो शेयर करते हुए विवेक ने लिखा, CM योगी आदित्यनाथ जी के ऑफिस से कई फॉलो अप कॉल्स आई जिससे मुझे बहुत खुशी हुई। उन महिला ने भी बहुत ही अच्छे तरीके से मुझसे ट्रैवल डिटेल्स पूछी। सभी के लिए जिस तरह आरामदायक और सकुशल यात्रा के लिए जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है उससे हर कोई प्रभावित है। उन्होंने आगे लिखा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हो पा रहा हूँ,
क्योंकि मैं किसी जरूरी कारणों से 22 जनवरी को भारत में नहीं हूँ और केवल राम जी ही जानते हैं कि मैं कितना दुखी हूँ।